को इवेपोरेटर पाइप के ऊपर से फ्लो करवाया जाता है, वहीं रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर पाइप के अंदर फ्लो हो रहा होता है और इवेपोरेट होकर हवा की गर्मी एब्जॉर्ब करता रहता है। एसी में सिलेंड्रिकल टाइप का पंखा इस्तेमाल किया जाता है ताकि यह कम जगह घेरे। हवा में मौजूद वेपर जब इवेपोरेटर पाइप के संपर्क में आता है तो वह कंडेंस होकर लिक्विड में बन जाता है और इस पानी को एक पाइप के माध्यम से कमरे के बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसे इवेपोरेशन के लिए बहुत सारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जरूरत पड़ती है और ये हीट रेफ्रिजरेंट एब्जॉर्ब करता है कमरे की एयर से। रूम एयर से हीट आसानी से रेफ्रिजरेंट में ट्रांसफर हो सके, इसलिए हम एक पंखे की सहायता लेते हैं। असल में ये रेफ्रिजरेंट की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ही है जिसके कारण कमरे की हवा ठंडी हो जाती है। इवेपोरेट होने के बाद रेफ्रिजरेंट गैस में बदल जाता है और कंप्रेसर में चला जाता है। एसी में कंप्रेसर दो काम करता है। पहला और कम महत्वपूर्ण काम है रेफ्रिजरेंट को पाइप में फ्लो करवाना। दूसरा और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर बढ़ाना। जी हाँ दोस्तों, शायद आप अपने अनुभव से ही जानते होंगे कि जब किसी गैस का प्रेशर बढ़ाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। यहाँ पर यही काम एसी का कंप्रेसर करता है। कंप्रेसर इवेपोरेटर से आती हुई ठंडी गैस का प्रेशर इतना बढ़ा देता है कि इसका टेम्परेचर कमरे के बाहर मौजूद सराउंडिंग टेम्परेचर से भी ज्यादा हो जाता है। अब चूंकि इस हाई प्रेशर गैस का टेम्परेचर